उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कांग्रेस कार्यालय तिलक नगर में राहुल गांधी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के द्वारा वृक्षारोपण और मास्क वितरण किया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक डॉक्टर प्रमोद पांडे जी ने आईपीएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि कोरोना महामारी हो या चीन सीमा विवाद हो, इसमें सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया कि किसी भी मुश्किल घड़ी में कांग्रेस पार्टी देश के लिए उठाए गए हर सही कदम में सरकार के साथ है। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर से संवाददाता रामेश्वर मिश्रा की खास रिपोर्ट। आईपीएन न्यूज़ में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कानपुर के सेवा कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम में मौजूद हैं कि जिन्होंने आज जो जिस संगठन के डॉक्टर प्रमोद पांडे जी हैं, उन्होंने आज वृक्षारोपण किया है और मास्क का भी वितरण किया गया है और अपनी बातों का भी उन्होंने पूरा विचार रखने की कोशिश करी है। बाकी आके हम लोग आके उनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और आगे जानकारी लेते हैं। शिक्षा को लेकर हम सब आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपीएन न्यूज़ में। जन्मदिन का आज पूर्व संध्या है, तो इसमें आपने ये कार्यक्रम करके जो है समाज को क्या बताने की कोशिश करी है? बैठे राहुल जी की 50वीं वर्षगांठ है और ऐसे अवसर पर उन्होंने कहा है कि हम लोग अपना जन्मदिन चीन की जो अभी घटना हुई है, हमारे जो सैनिक हताहत हुए हैं, मारे गए हैं, उनको लेते हुए उन्होंने जन्मदिन मनाने को मना किया है। ऐसे में हम सब लोगों ने एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए हर कार्यकर्ता हमारा 50-50 पेड़ पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने जा रहा है कि पर्यावरण को शुद्धिकरण हो सकता है। हम लोगों के बीच में जाएंगे, मास्क बांटेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे, सैनिटाइजेशन का काम करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। यह इस सत्याग्रह के माध्यम से लोगों की मदद करके ये हमारा कर्तव्य है। राजनीति समाज सेवा का सबसे सशक्त माध्यम है। आज अचानक मेरे शब्द इस वक्त आ रहे हैं और लगातार इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर और मीडिया के लोगों में और भारतीय जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही थी, विकृत राजनीति का चेहरा नहीं आना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी पेश कर रही थी, और एक सकारात्मक राजनीति का चेहरा हमारा है जो हम वृक्षारोपण करवा रहे हैं, पौधारोपण करवा रहे हैं। सकारात्मक राजनीति का चेहरा है जो हम मास्क वितरित कर रहे हैं। एक आशावादी सोच है कि लोगों के बीच में जाकर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, विटामिन सी की गोली बांट रहे हैं। यह आशावादी सोच है, यह सकारात्मक पक्ष हमारा, इसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि सिंहावलोकन प्रवृत्ति अगर इंसान में नहीं होती है, सिंहावलोकन अर्थात अपने पीछे मुड़कर न देखना, पीछे मुड़कर देखना, अपनी कही हुई बातों को भुला देना, अगर इंसान में प्रवृत्ति अगर आ जाती है तो वह सीधे और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वह गैर जिम्मेदाराना होता है या बेशर्म होता है। अब इसमें से आप स्वयं परिभाषित कर लें कि इस देश के प्रधानमंत्री गैर जिम्मेदार हैं या जो दूसरा शब्द मैंने इस्तेमाल किया है वह हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 18 दिन में महाभारत को जीता है, 21 दिन में हम कोरोना के जीत लेंगे और अब 90 दिन आज होने जा रहे हैं, 88 दिन आज बीत गए, 90 दिन का समय आ गया है, लेकिन हम कोरोना की महामारी के चपेट में और बढ़ते जा रहे हैं। 8 बजे का समय हिंदुस्तान के लिए अब शकुन भरा समय हो जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री जब आता है 8 बजे, कोई न कोई ऐसी अपशकुन वाली सूचना लेकर आता है कि हिंदुस्तान भयभीत हो जाता है। इन सब बातों का विरोध करने के लिए कल हम सब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। नहीं, आज ये सारा कार्यक्रम जो है आपने रखा, मास्क बांटा, वृक्षारोपण किया, जो भी सामाजिक कार्य था वो कार्य किया, लेकिन अभी एक दो दिन पहले जो है चीन द्वारा जो कुकृत्य कार्य हुआ है, उस सरकार से आप क्या मांग करते हैं, किस प्रकार की जो है इसमें कार्रवाई चीन के खिलाफ होनी चाहिए? मैं लगातार कह रहा हूँ, जुबान बंद रखने से, मुंह बंद रखने से, हाथ बांधने से सिर्फ काम नहीं हो सकता है। लगातार हम पर आरोप लगाते हैं। मैं एक चार लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि अतीत स्वयं में जवाब है, अतीत स्वयं में जवाब है, अतीत पर सवाल नहीं होते, अतीत स्वयं में जवाब है, अतीत पर सवाल नहीं होते, मिट्टी की कोख में डूबे हुए बिना गुलाब नहीं होते, और रोशनी के लिए चरागों को खुद ही जलना पड़ता है, सिर्फ मुट्ठी बांध लेने से इंकलाब नहीं होते। नरेंद्र मोदी मुट्ठी बांध कर इंकलाब लाना चाहते हैं, मुट्ठी बांध लेने से नहीं, सड़क पर उतरना पड़ेगा और इसका मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। नेपाल को जवाब देना पड़ेगा, चीन को जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा, और हम उनके साथ हैं। किस लिए वो डर रहे हैं? हिंदुस्तान की 135 करोड़ की आवाम उनके साथ खड़ी है, समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। राहुल जी, सोनिया जी लगातार कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। अजय लल्लू जी जेल जाने के बावजूद भी कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं। क्यों कदम डगमगा रहे हैं, क्यों यह चुप्पी साधे हुए हैं, इसके पीछे किस बात की पर्दादारी है, वह स्पष्ट होना चाहिए।
आपने देखा इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी कुकृत्यकार हुआ है और जो कोरोना काल में जो भी सरकार की कमियां हैं उसको उन्होंने उजागर किया है और ये प्रयास किया है कि हम सरकार के साथ हैं और ऐसा कोई भी कुकृत्यकार होता है बाहरी देश से तो हम इस पर जो है एक साथ रहेंगे और सारी विपक्ष की पार्टियाँ एक साथ रहेंगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ मैं रामेश्वर मिश्रा, IPN न्यूज़ का।